बोलो बोलो। अरे जल्दी जल्दी बोलो, 1 घंटे से ज्यादा तो बैठ भी नहीं पाओगे। हाँ नक्की झील, हाँ बाबा वो बोल रही है नक्की झील पर भारत माता का एक वो बनाया मूर्ति, मूर्ति बनाई, हाँ जी, उसमें 4 शेर बनाए हैं। भारत माता की जो मूर्ति बनाई है उस मूर्ति में 4 शेर हैं। उसको खड़े हुए दिखाया, उसको लगाम पकड़े हुए, उसको कंट्रोल कर रही है, हाँ। वो क्यों है? वो संगम युग की यादगार है कि शंकर जी जो हैं वो तो मनुष्य सृष्टि के पिता हैं, जगत पिता हैं या नहीं है? जगत पिता है, उसका तो कोई पिता है नहीं, लेकिन वो जगत पिता ब्रह्मा के रूप में मानसी सृष्टि से जिन 4 बच्चों को जन्म देता है, यज्ञ के आदि में भी वो थे चारों, कौन? कोई सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, परंतु उनका प्रैक्टिकल रूप तब प्रत्यक्ष होता है जब मनन चिंतन मंथन की बीज रूप स्टेज सार रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है, माने 76 में। तो वो 4 जो बीज हैं, 4 मुख्य धर्मों के 4 बीज, वो शेर के समान हैं। क्या? अपने अपने जंगल में, शेरों का एक ही जंगल होता है दुनिया में या अलग अलग जंगल भी होते हैं? हैं? अलग अलग जंगल भी होते हैं। तो वो 4 प्रकार के शेर हैं, अपनी अपनी जनरेशन रूपी जंगल में वो 4ों शेर हैं। जब टाइम आएगा तो इसी ब्राह्मणों की दुनिया में, इसी 500-700 करोड़ की दुनिया में भी वो 4 शेर प्रत्यक्ष होंगे, जो सारी दुनिया में ज्ञान की दहाड़ मारेंगे। कैसी दहाड़? ज्ञान की ऐसी दहाड़ मारेंगे जो किसी के कंट्रोल में नहीं आते, चाहे वो राम वाली आत्मा हो, चाहे वो भरत वाली आत्मा हो, चाहे लक्ष्मण वाली आत्मा हो, चाहे शत्रुघ्न वाली आत्मा हो। ब्रह्मा के 4 पुत्रों के रूप में सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये 4 सृष्टि के आदि पुरुष हैं, जो बीज हैं सारी सृष्टि के। उनको शिव का जो शंकर स्वरूप है वो भी कंट्रोल में नहीं कर पाता। करता है? नहीं करता। किसी को कुछ बोलना है तो बताए, हैं? न राम वाली आत्मा को कंट्रोल कर पाता, न लक्ष्मण वाली आत्मा बौद्ध धर्म के बीज को कंट्रोल कर पाता, न इस्लाम धर्म के बीज को कंट्रोल कर पाता, और न क्रिश्चियन धर्म के बीज को कंट्रोल कर पाता। वो परम पुरुष के रूप में उन 4 शेरों को कंट्रोल नहीं करता। कब कंट्रोल करता है? है? हाँ, जो अभी बताया विजयमाला का
आह्वान करो तो वो भारत माता का जब आह्वान होता है और वो सहयोगी बनती है तब ये चारों ही शेर कंट्रोल में आ जाते हैं। भारत माता ही बताई, भारत पिता भी बताई, है भारत माता का गायन है या पिता का गायन है? है भारत माता का ही गायन है, पिता का गायन? ये तो समझ की बात है कि भारतवर्ष की वो ही माताएं पूजी जाती हैं जो अहवाती होती हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाली होती हैं, विधवा नहीं होती हैं। भारत में कौन सी माताओं की पूजा होती है? विधवा माताओं की? विधवा माताओं की पूजा नहीं होती। ये तो पक्का है कि वो माता भारत माता प्रवृत्ति मार्ग की है। प्रवृत्ति मार्ग की माता होने के कारण वो गुप्त रूप में शक्ति कहाँ से लेती है? है? हाँ, बाप से ही शक्ति लेती है। लेकिन वो गुप्त रूप में कैसी शक्ति लेती है, उसे ही वो शक्ति क्यों मिलती है और दूसरी माताओं को क्यों नहीं मिलती है? जगदम्बा को क्यों नहीं मिलती है? महाकाली को क्यों नहीं मिलती है? यमुना को क्यों नहीं मिलती है? गंगा को क्यों नहीं मिलती है? उसी को मिलती है। कारण क्या? ये प्योरिटी की पावर है। जो असली शेरनी होती है किसके कंट्रोल में आती है? शेर के कंट्रोल में आती है। तो ये भारत माता का चित्र दिखाया गया है, तो चार शेरों को कंट्रोल किए हुए हैं। और वास्तुशास्त्र का है वो हम ज्ञान में रखे कैसे ले? वास्तुशास्त्र जो बताया गया उसको हम कैसे ले? वास्तुशास्त्र ज्ञान लेना है, उसको हम माने या नहीं माने? हाँ, अगर वास्तुशास्त्र का ज्ञान सच्चा है और वास्तुशास्त्र के अनुसार ही हम अपने मकान बनाना शुरू कर दें और बना भी रहे हैं तो शिव बाबा का ज्ञान झूठा हो जाएगा या सच्चा? है? है? झूठा हो जाएगा बाबा। हम आपसे पूछते हैं, शिव बाबा का ज्ञान कि 100 वर्ष का संगम युग है, सन 36 से शुरुआत होती है, 2036 में दुनिया खलास हो जाएगी, सब बिल्डिंगें बर्बाद हो जाएंगी, तो ये वास्तुशास्त्र रह जाएगा? ये झूठा है या सच्चा है? तो झूठा हो गया। अरे ये एटम बम के बेकार हो जाएंगे, ये एटम बम भी झूठे साबित हो जाएंगे। एटम बम सच्चे हैं, शास्त्रों में जो लिखा है कि यादवों के पेट से मिसाइल्स निकले, मिसाइल्स रूपी बम निकले, वो शास्त्र भी सच्चे हैं, भगवान के महावाक्य भी सच्चे हैं, और जो प्रैक्टिकल में एटम बम बने रखे हैं वो भी वैज्ञानिक भी सच्चे हैं। उनकी बनाई हुई चीज झूठी नहीं है, वो अपना काम करेगी। अगर वास्तुशास्त्र सच्चा हो जाए तो ये सब झूठे हैं। एटम बम अपना काम करेंगे वास्तुशास्त्र सच्चा हो जाए तो? फिर तो नहीं करना चाहिए। हाँ, लक्ष्मी माँ से ज्यादा प्रवृत्ति में, लक्ष्मी माँ से ज्यादा प्रवृत्ति की भाव तो सूर्यवंशी के माँ में है ना, तो उनका गायन भी क्या हो तो चार शेरों के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन वो माता तो वो योगिनी माता हो सकती क्या? हाँ, तो वो योगिनी माता, योगी माता नहीं हो सकती, भारत माता से ज्यादा प्योरिटी तो योगिनी सूर्यवंशी की माता वो तो है। हाँ, फिर अगर उसमें ज्यादा प्योरिटी है तो चारों शेरों को कंट्रोल क्यों नहीं करती? बात तो बिल्कुल पक्की है, है? प्रश्न बिल्कुल सच्चा है, लेकिन जवाब उसका ये है कि बाबा ने जो मन का
योगिनी माता के रूप में अष्ट देवों में से दूसरा देवता डिक्लेयर किया है, वो बाबा की दृष्टि में पुरुष है, दुर्योधन दुशासन है या स्त्री है? है क्या है? है? अरे बताओ, रुद्रमाला का मणका है, बाबा का बच्चा है कि बच्ची है? फिर अगर वो बच्चा ही इस लायक होता तो उससे भी ज्यादा पहला नंबर किसका है? 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 अरे काशी नगरी प्रिय नगरी है सबसे जास्ती, दूसरी नगरी प्रिय नहीं है, लेकिन जिसको प्रिय है वो तो सारी सृष्टि का प्यारा है। हिंदू भी उसको महादेव, देवदेव, देवाधिदेव के रूप में मानते हैं, जैनी लोग उसको आदिदेव के रूप में मानते हैं, क्रिश्चियन लोग उसको एडम के रूप में मानते हैं, मुसलमान उसको आदम के रूप में मानते हैं, सारी मनुष्य सृष्टि ही उसको मानती है। फिर उसके कंट्रोल में चार शेर होने चाहिए? वो तो योगिनी माता से भी ज्यादा ऊंचा, ज्यादा पवित्र है, बनता है या नहीं बनता है? हैं? बनता है। फिर क्यों नहीं? फिर वो शेर क्यों नहीं उसके कंट्रोल में? क्या कारण हुआ? क्योंकि रुद्रमाला का मणका है, वो भारत की रानियां नहीं है, सहन शक्ति वाली रानियां होती हैं या राजाएं होते हैं? सर्व गुणों का राजा कौन सा गुण है? सहन शक्ति। तो वो सहन शक्ति में लक्ष्मी सबसे तीखी जाती है, इसलिए लक्ष्मी ही उन शेरों को कंट्रोल करते हुए दिखाई गई है। वो भारत माता है क्या? हाँ। और लक्ष्मी माँ बाबा लिखते हैं, वो योगी देवता है या लक्ष्मी माता बाबा लिखते? तो मैंने निश्चय पत्र में क्या लिखा याद है कि भूल गया? क्या ऐसे ही साइन कर दिए? हैं? साइन कराने वाले ने साइन कराए और ऊपर मुंह करके साइन कर दिए? आपने निश्चय पत्र में क्या लिखा, किसका नाम लिखा? हैं? अरे आपने लिखा ना जगत पिता जगदम्बा, लिखा ना? तो जगदम्बा जब लिखा है तो वो सारे जगत की अम्बा है या कोई खास संप्रदाय मात्र की अम्बा है? सारे जगत की अम्बा है। वो है तो आप बैठे हैं, तो वो सूर्यवंशियों की अम्मा भी बैठी है, वो न होती तो वो सूर्यवंशियों की अम्मा भी नहीं होती। जो पहला पहला बीज बोया जाता है ना खेती में, खेती करते हैं तो जो पहले पहले फसल बो देते हैं उनकी ज्यादा पैदाइश हो जाती है, और जो लेट बोते हैं उनको कम पैदाइश मिलती है। तो पहले पहले समर्पण होने का जो बीज है वो किसने डाला? सूर्यवंशियों की अम्मा ने डाला है? नहीं डाला। तो जिसने पहले पहले बीज डाला उसका भाग्य बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। इसलिए अकेली जगदम्बा की बात नहीं है, जो चार बीज हैं, सारी मनुष्य सृष्टि के बीज, चार मुख्य धर्मों के बीज, उनके लिए भी यही बात लागू होती है।
भगवान जब बाप के रूप में 76 में प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्षता वर्ष में, तो पहले पहले कौन पहचानते हैं? वो चार बीज पहले पहचानते हैं। उसी की बात नहीं है, जो सूर्य पुत्री यमुना है, सूर्य की पहली पहली पुत्री, वो भी पहले पहचानती है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है कि बाप बांधा हुआ है, उन दिल्ली वाली आत्माओं को अंत तक सहयोग देने के लिए। इसलिए क्योंकि उन आत्माओं ने आदि में बीज डाला, जब कोई सहयोगी नहीं था तो कौन सहयोगी बने है? अरे सालों साल सन 76 के बाद वो प्रत्यक्ष होने वाला बाप, प्रत्यक्षता वर्ष जो से जो प्रत्यक्ष हुआ, वो 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 सात साल चक्कर काटता रहा और कोई सहयोगी नहीं बना, कोई ने नहीं पहचाना। तो उनको उजूरा नहीं मिलना चाहिए जिन्होंने पहचाना? भले किसी ने थोड़े समय के लिए पहचाना, किसी ने लंबे समय के लिए पहचाना, पहचाना दो, बीज तो डाला, उनको उसका उजूरा नहीं मिलेगा है? मिलेगा। इसलिए एक जगदम्बा को भूलना नहीं चाहिए, वो सारे जगत की अम्बा है, सिर्फ सूर्यवंशियों की अम्बा नहीं, सारे जगत की अम्बा, ऊंचते ऊंचे जो पार्ट बजाने वाले हैं उनकी भी अम्बा, जो हीरो पार्ट बजाने वाला है ना, क्या कहा, जो हीरो पार्ट बजाने वाला है वो भी यज्ञ के आदि में पहला ब्राह्मण तब कहा जाता है जब ब्रह्मा से मुख से पैदा हो, तो वो पहला ब्राह्मण प्रजापिता कौन से ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है? कौन? जगदम्बा के मुख से पैदा हुआ। जगदम्बा के मुख से दादा लेखराज ब्रह्मा के साक्षात्कारों का खुलासा सुना, डिटेल सुना, तो ब्रह्मा के मुख से सुनने के कारण मुखवंशावली पहला पहला ब्राह्मण हुआ। तो जो षष्ठी के आदि पुरुष की भी अम्बा है, तो आप किसी दूसरे को अम्बा बनाएंगे क्या है? जगदम्बा जो बना ली सो बना ली है, भले पुरुषार्थ में कोई आगे निकल जाए, प्योरिटी के पुरुषार्थ में अष्ट देवा आगे निकल जाते हैं, वो तो हो सकता है, लेकिन अम्मा जिसको हमने मान लिया वो तो मान लिया। और जिसने भटकीनी करी और रेगुलर क्लास कर रहा हो तो उसपे अपन सिस्टम में हट नहीं करवा सकते हैं? जिसने भटकीनी करी हो और रोज क्लास कर रहा हो तो उससे रजिस्टर में हाजिरी करवा सकते हैं? हाजिरी भले करवाओ, लेकिन उसको अम्मा बाप का परिचय नहीं देना है, आप खुद लिखेंगे माँ बाप ऊपर और दूसरे को परिचय नहीं देंगे। अरे दूसरों को परिचय नहीं देना है, तो पहले उनको परिचय दो। परिचय भी दिया। अरे जब परिचय मिलेगा निश्चय हो जाएगा, तो जिस आत्मा को निश्चय हो गया कि बाप आया हुआ है और जगत की अम्बा भी आई हुई है इस सृष्टि पर, तो फिर वो पुराने जन्म की बात को सोचेगा बुद्धि में
या नए माँ बाप और नए माँ बाप के स्थान में बुद्धि जाएगी? पुराने को याद करेगा? तो नए अम्मा बाप को याद करेगा ना, तो बुद्धि वहां जाएगी। याद करेगा तो उसकी आत्मा वहीं तड़पेगी जाने के लिए। इसलिए बाबा ने कहा जिसको निश्चय हो जाता है वो एक सेकंड भी रुक नहीं सकता, तड़पेगा कि हमें मिलाओ। दूसरी पहचान, जिसको बाप की पहचान हो जाएगी वो दूसरों को सुनाए बगैर रह नहीं सकेगा। तो सिर्फ साइन करा लेने से थोड़ा ही कुछ बनता है। और छठ में शरीर छोड़ा, वो तो इसलिए कह दिया कि 18 दिन के बाद शरीर छोड़ा, तो भी 68 ही तो पूरा हुआ, 69 थोड़ा ही पूरा हो गया। तो समझने की बात है, 18 जनवरी 69 को शरीर छोड़ा, लेकिन 18 ही दिन तो हुए नए वर्ष में, तो पूरा वर्ष कौन सा हुआ? 68 ही पूरा हुआ, इसलिए बोल दिया। भाव को समझना है या शब्द को पकड़ना है? भाव को समझना है। जैसे वाली कई बहने से पूछती हैं, आप कहते हैं बाबा आए, मैं बताओ मैं वो बाबा कहाँ है? जैसे वाली बहने कई बार पूछती हैं, आप कहते हैं बाबा आया हुआ है, बाबा आए, तो बताओ वो बाबा कहाँ है, हमें बताओ, मतलब हम ये कैसे जवाब दें? अरे आप पूछे उनसे तुम्हारा बाबा कहाँ है वो तो ठीक, क्योंकि उनका बाबा तो शरीर ही छोड़ गया, तो उनका बाबा तो है ही नहीं, तो वो तो जवाब नहीं दे सकेंगी। अब तुमसे पूछे ना, तुम जवाब नहीं दे पाती हमारा बाबा कहाँ है। हमने बहनों को रिश्ता से बात करी, बोले कि अभी बाबा को ऐसे नहीं बताना कि बाबा वहाँ है, ये नाम है कहाँ है। अरे ज्ञान से परिचय देना है कि यहाँ है, वहाँ है, कहाँ है। तो जो ज्ञान से जिनको बुद्धि में बैठ जाएगा कि बाबा आया हुआ है, वो तो अपने आप ढूंढ लेगा। बोले जब तो बाबा को उसी को मानते, आपका बाबा कहाँ है बताओ, कौन सी जगह है। तो आप उनसे ये भी नहीं पूछ पाए कि तुम्हारा बाबा कहाँ है? हमारा तो प्रैक्टिकल में है, हमारा तो बाबा ब्रह्मा बाबा है, जो हम तो दादी की तरफ ब्रह्मा बाबा है। वो कहती हैं मन के उसने तो शरीर छोड़ दिया ब्रह्मा बाबा। तुम्हारा बाबा ब्रह्मा बाबा है ना? उनका बाबा ब्रह्मा बाबा है ना? इसका मतलब शिव बाबा नहीं है ना? वो कहती है ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों दानी के तक में आती हैं, हम तो उनको देखते हैं, और तुम्हारा बाबा कहाँ है बताओ हमें। बाबा एक है या दो है? तो वो इस चीज का वही जवाब है ना, हमने कहा एक है कि दो है, बोले बाबा तो एक है, बोले तुम्हारा। तुम उनको ये भी नहीं समझा सकते कि गुलजार दादी में ब्रह्मा आता है, शिव बाबा नहीं आता है। तुम कहा बतला दी? शंकर को बतलाते हो, ये शंकर पार्टी का कोई दूसरा है क्या? शंकर पार्टी है तुम तो। जैसे तुम ब्रह्मा को, दादा लेखराज को, तुम कृष्ण को बताते हो भगवान है, वो तो बिल्कुल रंग है, वो तो मुरली में बाबा ने बोल दिया कृष्ण भगवान, दादा लेखराज भगवान नहीं है, ब्रह्मा भगवान नहीं है, उसका फोटो भी मत रखो, फोटो रखोगे तुम पतित हो जाओगे। और जिन्होंने फोटो रखा वो पतित हो गए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत बन गए। बाबा ऐसे कहते हैं तुरंत हमें बताओ, अभी बताओ, हाँ बताओ, ऐसे कहते हैं। तो तुमसे पूछते हैं ना, उनसे कहो कि हमारे इतने मिनी मधुबन खुले हुए हैं, वहाँ जाके बहनों से क्यों नहीं पूछती? तो तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है, है? भोली वाली माताओं जिन्होंने तुम हमेशा पहले भी बेवकूफ बनाया है और अभी भी बेवकूफ बना रही, उनसे तुम पूछ रही हो? अगर तुम जवाब नहीं दे पाती हो तो इतना तो कहो उनसे, ये ढेर के ढेर मिनी मधुबन खुले हुए हैं, वहां तुम जाती क्यों नहीं हो, क्यों नहीं पूछती उनसे जाके? वो
वो तो हम लोगों से नजर नहीं मिलाना चाहते, बच्चों से अंत में बाबा जब बेसिक वाला उपासन गए ना तो अंत में जाकर कहती है हमने तो आप ही से सुना और इतनी मतलब बेहाल से बोलती है जैसे कोई इसमें शोर प्रवेश हो जाती है बेसिक वाली ड्रामा करके बहुत ज्यादा ड्रामा करती है। हाँ हाँ तो भूत प्रेत से तुम डर जाती हो ना इसलिए नहीं जाते नहीं डरते तो ना जवाब दो धड़क धड़क नहीं डरते लेकिन अंत में उसने घुटने टेक दिए घुटने टेक कर कहा अच्छा माता जी आप आई हो हम तो आप ही के मुँह से सुने हैं कि साकार में बाप आया हुआ है और आपका बाबा आया हुआ है ठीक है हम आपसे सुने हैं लेकिन हम हमारी दीदी से सुने बिना हम नहीं जाएंगे हम विश्वास नहीं करेंगे। हाँ तो दीदी ही तुम्हारा बाप हो गया ना भगवान खुद आके परिचय देता है वो तो बात झूठी हो गई ना सारी बात करेंगे आया हुआ है लेकिन हम तो आपसे सुने ठीक है हम तो वहीं रहेंगे ये बोलती है। तो उनको बताओ उनको बोलो जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा ना ये बात मुरली बोली है बाबा ने तुम उन्हीं के धर्म की हो बाबा सुनते ही नहीं हो अरे मुरली का पॉइंट तुम सुना मुरली के पॉइंट सुना है बाबा लेकिन फिर भी नहीं सुने तो आगे चल हम नहीं सुनेंगे आपके किस प्रचार नहीं सुने तो कोई आगे चल के ना कर गड़ो कोई तो मझ को बाद में मान लीजिए उनसे कहो सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलती है बोला हमने वो एडवांस पार्टी वाले तुम्हारे सर के ऊपर क्या माउंट आबू में चढ़ के बोलेंगे तब तुम्हारी समझ में आएगा। और जब तुम पैदा हुई थी तब तुम्हारे मुंह में से अम्मा पहचान आई थी कि बाप पहचान में आया था आदि में तुम्हारी बुद्धि में बाप आया था कि अम्मा आई थी ऐसे यहाँ भी है। ये मुरलियाँ हैं हमारी गीता माता और जब सारी मुरलियाँ आ गई मैदान में तो वो गीता माता रूपी मुरलियों ने बाप का परिचय दिया संक्षिप्तर में वो मुरलियों के द्वारा बाप का परिचय मिला लोगों को। अगर मुरलियां ना होती तो कोई बाप को पहचानता मानता नहीं मानता। ये गीता माता है नहीं अरे जड़ में तो वो मुरलियां हैं लेकिन चैतन्य में उन मुरलियों को धारण करने वाली कोई आत्मा हुई या नहीं हुई कौन हुई गीता माता जगदम्बा। और गवर्नमेंट की जो बीकी वाले दिखा रहे ना हमने कोर्ट में उसमें ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ते समय आयु 93 बताइए है ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ते समय 93 एज बताइए। जिस समय वो डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं उस समय उन्हीं का ज्ञानामृत ले जाके उनको दिखाओ देखो ये ज्ञानामृत में तुमने क्या लिखा है वो पत्रिका ले जाके दिखा दो तुम तो दोगले हो एक बात तो करते नहीं हो। ज्ञानामृत में भी गलत है और ज्ञानामृत में सही भी है अरे उस आधार वो डॉक्यूमेंट्री मनुष्यों ने बनाई है वो ज्ञानामृत पत्रिका मनुष्यों ने लिखी है या भगवान के मुख से निकली है मनुष्यों ने बनाई तो मनुष्यों की बनाई हुई बात को तो हम मानते ही नहीं हम किसकी बात मानते हैं हम तो भगवान की ब्रह्मा मुख से निकली हुई बात को मानते हैं वो ही वेदवाणी है हमारी उस मुरली में तो लिखा हुआ है कि मैं 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूं और ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए सन 36 में साक्षात्कार को कोई प्रवेश होना थोड़े ही कहा जाता है साक्षात्कार को मीरा को भी हुए सूरदास को हुए तुलसीदास को हुए रैदास को हुए क्या उन्होंने भगवान ने प्रवेश कर लिया प्रवेश होना माना साक्षात्कार होना नहीं
सन 36 में साक्षात्कार हुए, दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश नहीं हुआ। प्रवेश तब हुआ जो मुरली में बोला है, कराची से मुरली निकलती चली आई है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ और 7-7 सालों के अंदर जो कन्याएं माताएं सिंध हैदराबाद में बंद कर दी गई थी वर्षों, उनको मौका मिल गया निकल के भागने का। वो सिंध हैदराबाद से भाग करके कराची में पहुंच गई। अब ब्रह्मा बाबा का नशा चढ़ गया, वाह वाकई मैं भगवान हूं, मेरे अंदर शिव बाबा आकर के वाणी चलाता है। नशा चढ़ गया और शिव बाबा ने भी उनमें प्रवेश करके वाणी चलाना शुरू कर दी। हिम्मत है बच्चे, मदद दे बाप। और उस समय 60 साल की अवस्था थी या 36 में थी, वो तो उसी बात को नहीं मानते, डॉक्यूमेंट जवाब से स्वीकार। उनके मानने से हम मान जाएंगे, हमें प्रूफ और प्रमाण के आधार पर मानना है। जो हमको क्लियर है वो हम उनको बात बताएं कि 10 आदमियों को इकट्ठा कर लो, सच्ची बात कौन सी है सो हमें बताओ। 10 आदमी भी बताएंगे कि हाँ इसका तो प्रूफ मिलता है, तुम्हारी माउंट आबू की छपाई हुई वाणी में ही तो प्रूफ मिल रहा है कि ब्रह्मा में कब प्रवेश हुआ, कब से मुरली निकलती चली आई। मुरली किसके मुख से निकलती है, है? नहीं, शिवा का मुख नहीं होता, ब्रह्मा के मुख से। तो ब्रह्मा के मुख से जो मुरली आई है वो कौन से सन से आई, वो कहेंगे सन 36 से, तो मुरली कहाँ है सन 36 वाली। मुरली में तो लिखा हुआ है ना कि कराची से मुरली निकलती चली आई है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय प्रवेश किया ब्रह्मा में, मुरली चली। पहले बाबा मुरली लिखते नहीं, वो मुरली सुनाते नहीं थे, ये भी मुरली में लिखा है। पहले बाबा मुरली सुनाते नहीं थे, शिव बाबा लिखाते थे और ब्रह्मा बाबा लिखते थे, फिर उसकी कॉपी निकाल करके क्लास में सुनाई जाती थी। मुरली मुख से नहीं चलाते थे, उनकी माउंट आबू की छपी हुई वो मुरलियों में ही तो लिखा हुआ है। बात यह है कि हम भी तो पूरी पूरी पढ़ाई सही नहीं पढ़ते, हम सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। बाबा के जो महावाक्य हैं सच्ची गीता खंड 1 और सच्ची गीता खंड 2 शुरुआत से ही छपी हुई है, क्यों नहीं हम उसको हिफ्ज करते। बाबा कहते हैं गीता पाठी ब्राह्मण सबसे ऊंचा ब्राह्मण होता है, तो हमारी गीता तो हमारे सामने है ना। बाबा के जो महावाक्य हैं शॉर्ट में सार में हम उनको पढ़ें, हम उनके ध्यान अर्थ को समझें, हम खुद ही ध्यान नहीं देते। तो बाबा जो शिव बाबा लिखाते थे ब्रह्मा बाबा लिखते थे वही पीयू की वाणी थी बाबा। पीयू माने बाप, बाप माने शिव, शिव चाहे प्रजापिता में प्रवेश करे और चाहे उन माताओं में प्रवेश करे, है तो बाप, तो पीयू की वाणी कही जाएगी। तो बाबा जो वहाँ कराची में वो दबाकर आ गए वो पीयू की वाणी थी, प्रजापिता की वाणी थी, वहां से तो झगड़ा हो गया तो उसकी वाणी को क्यों रखेंगे। जब झगड़ा हो गया दो पार्टियां हो गई, ओम मंडली और एंटी ओम मंडली, तो जो एंटी हो गया उसकी वाणी को क्यों रखेंगे। झटापट लिया और दबाया जमीन के अंदर, नाम निशान ही खत्म करो, यहाँ से भाग खड़े हो। तो बाबा अब किस समय तक निकलेंगे बाबा वो? जब आप निकालेंगे तब निकलेंगे। वो अपने आप निकल पड़ेंगी क्या? आप निकालेंगे, प्रयास करेंगे तब निकलेंगे, अपने आप राजधानी नहीं स्थापन हो जाएगी। मेहनत से राजधानी स्थापन होगी, अपने आप स्थापन हो जाएगी। तो बाबा जैसे जिस जगह वो दबाकर आए हैं वहाँ जाकर अगर कोई प्रयास भी करता है तो क्या उस जगह का जो इस समय मालिक होगा वो खुदाई करके देगा? वो खुदाई नहीं करेगा, पैसे से क्या नहीं होता है।
तो बाबा बाबा तो पैसा कहीं भी खर्च नहीं करने देता है ऐसे। बाबा पैसा नहीं खर्च, बाबा ने ये मना कर दिया कि तुम वहाँ रिसर्च करने मत जाओ, बैठे बैठे बातें बना रहे हैं। बाबा इसलिए तो पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे? बाबा ने अखबार वालों को पैसा देने के लिए मना किया, ये थोड़े किया कहा कि तुम बाबा की पुरानी से पुरानी जो मुरलियां हैं वो निकालने के लिए तुम प्रयास मत करो। तो बाबा कौन से स्थान से निकलना शुरू हुई थी मुरलियां? अभी तो बताया कराची से मुरली निकलती चली आई है। कराची में जब ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरली निकलना शुरू हुई, जो पाकिस्तान तैयार हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तानियों में झगड़ा हुआ, खून की नदियां बही, उस समय जो सात सात तालों में बंद की गई थी सिंध हैदराबाद में सत्संग में, वो कन्याएं माताएं निकल भागी, मौको मिल गया उनको और कराची में आ गई। कराची में जब सब इकट्ठी हो गई तो ब्रह्मा बाबा को फोर्स आ गया। फोर्स तो शक्तियों का आता है ना, तो सन 47 ही था। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में बी के नॉलेज में जो अभी चल रहे हैं उनमें भगवान की वाणी को महत्व देने का मादा है, वो भगवान की वाणी को महत्व देते हैं या दीदी दादी दादाओं को महत्व देते हैं? तो वाणी को महत्व नहीं दिया, फाड़ फाड़ करके फेंक दी उसकी शूटिंग। हाँ भक्ति मार्ग में हुई, मुसलमानों ने क्रिश्चियंस ने हमारे साहित्य को बर्बाद किया, नदियों में फाड़ फाड़ करके फेंक दिया, जमीन में खोद खोद करके गाड़ दिया, तो शूटिंग कहाँ हो रही है? यहाँ शूटिंग हुई, उन्होंने वाणियों को रखा ही नहीं। जिन्हें अपनी चलानी है वो भगवान की वाणी को क्यों रिजर्व करके रखेंगे? जो बात देखेंगे कि हमारे बरखिलाफ है बदल दो। प्रिंटिंग प्रेस तो हमारे हाथ में है, जो चाहेंगे छापेंगे, नहीं चाहेंगे नहीं छापेंगे। और सवाल है, सवाल जैसे बाबा कहते हैं कि कमजोर आत्मा के शरीर पर भूत प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती है, तो बेसिक वाली आत्माएं शरीर छोड़कर एडवांस वाले आत्माओं के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान सुनेगी, तो क्या कमजोर आत्माओं में ही प्रवेश करके सुनेगी या पावरफुल में भी प्रवेश करके सुनेगी? जो ज्यादा विकारी बनते हैं वो पुरानी आत्माएं होती है, या जो कम विकारी बनते हैं आखिरी जन्म में वो पुरानी आत्माएं होती हैं? जो ज्यादा विकारी होते हैं वो पुरानी तो पुरानी आत्माएं हैं, तमो प्रधान आत्माएं हैं। तो सूर्यवंशी ज्यादा विकारी बनते हैं या चंद्रवंशी ज्यादा विकारी बनते हैं? सूर्यवंशी ज्यादा विकारी बनते हैं। तो सूर्यवंशियों में वो चंद्रवंशी आत्माएं जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को फॉलो कर रही है, दादा लेखराज ब्रह्मा को फॉलो कर रही हैं, ज्ञान सूर्य की वाणी को फॉलो नहीं कर रही हैं, वो कमजोर होने पर भी इनसे भी ज्यादा कमजोर में प्रवेश करती हैं। वो सूर्यवंशी इस अंतिम जन्म में विकारों में ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। क्राइस्ट कृष्ण की राशि मिलाई जाती है, है? नहीं मिलाई जाती। वाह वाह वाह, खूब आगे बैठ जाती है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है इसीलिए कि क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो अंतिम जन्म में ज्यादा बुद्धिशाली होते हैं, ज्यादा सभ्य होते हैं। इतने तमो प्रधान क्रिश्चियंस नहीं बनते हैं अंतिम जन्म में जितने भारतवासी बन जाते हैं। तो जैसे क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स क्रिश्चियंस अभी भी सभ्य हैं, उनके देश में अभी भी सभ्यता है, यहां के लोग असभ्य बन गए, तमो प्रधान बन गए,
दुख देने वाले ज्यादा बन गए। ऐसे ही क्राइस्ट के फॉलोअर से जिनकी राशि मिलाई जाती है वो कृष्ण और कृष्ण के फॉलोअर्स अर्थात कृष्ण उर्फ ब्रह्मा चंद्रमा के फॉलोअर्स और ब्रह्मा कृष्ण चंद्रमा ज्यादा सात्विक है और सूर्यवंशी ज्यादा तमोप्रधान है। ज्यादा तमोप्रधान बनेंगे तो विकारी ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगे? ज्यादा विकारी बनते हैं। ज्यादा विकारी हो गए तो आत्मा कमजोर बनेगी या पावरफुल बनेगी? कमजोर बनेगी। तो उन कमजोरों में वो कृष्ण की आत्मा और कृष्ण के फॉलोअर्स ब्रह्मा की आत्मा ब्रह्मा के फॉलोअर्स प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, ये बताया कि जब तुम बच्चों की योग बल की पावर बढ़ जाएगी, चाहे वो राम वाली आत्मा हो चाहे राम के फॉलोअर्स हो, तो राम वाली आत्मा जब उसकी पावर बढ़ जाएगी योग बल की, तो तुम हाई जंप लगा करके बैल के ऊपर सवार हो जाओगे। अभी नहीं सवार हो रहे हैं, अभी तो सिंगों से लड़ाया देता है। और जिस आत्मा के शरीर में प्रवेश करेंगे इसके पुरुषार्थ क्या फर्क पड़ेगा? जिस आत्मा के शरीर में प्रवेश करेंगे उसके पुरुषार्थ में ये प्रवेश, वो अपने मनमाने कर्म कराएंगे अज्ञानता के कि ज्ञान के कर्म कराएंगे? जिसकी बुद्धि में ये बात बैठ ही नहीं रही है कि गीता का भगवान शिव है, शिव शंकर भोलेनाथ है, वो शिव शंकर भोलेनाथ को भगवान समझेगा या अपन को भगवान समझता है? किसको समझता है? अपने आप को कृष्ण वाली आत्मा भगवान समझती है साकार, इस सृष्टि का साकार भगवान मैं हूं। तो जब साकार भगवान बनेगा तो पतितों को पावन बनाने का काम करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा ना, जो भी कन्याएं माताएं हैं उन पर कुदृष्टि रखेगा या अच्छी दृष्टि रखेगा? अपनी शक्तियां बनाएगा, सजनिया बनाएगा कि साजन बनाएगा? सजनिया बनाएगा। अब वो काम झूठा हो गया कि सच्चा हो गया? है क्या हो गया? उसके लिए झूठा हो गया। लेकिन जिनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि शिव इसमें प्रवेश करता है, उनके लिए झूठा भी सच्चा हो जाएगा। जो बाबा कहते थे किसकी गोद में आए हो, ब्रह्मा बाबा पूछते किसकी गोद में आए हो, जो कहते ब्रह्मा बाबा हम आपकी गोद में आए हैं तो फेल, जो कहते थे हम शिव बाबा की गोद में आए हैं तो पास। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और बाबा हमें ये कैसे पता चले कि हमारे में कोई आत्मा ने प्रवेश किया है? जिसमें प्रवेश होता है, जैसे गुलजार दादी में प्रवेश होता है तो उनको पता चलता है? हाँ, उनको पता भी नहीं चलता। हाँ, जो देखते हैं उनको पता चलता है या नहीं? उनको पता चल जाता है, आंख है मोटी मोटी हो गई, लाल लाल हो गई, चेहरा तमतमाता हुआ हो गया। जो पहले साधारण रीत से बोलते थे वो बोल अब नहीं बोल रहे हैं। अब वो सूक्ष्म शरीर जो सन 68 में सूक्ष्म शरीरधारी था, पावरफुल था, वो अब राम वाली आत्मा के संसर्ग संपर्क में आने से बिंदु बनता जा रहा है, सूक्ष्म शरीर छूटता जा रहा है। तो सूक्ष्म शरीर छूटते जाने के कारण वो सूक्ष्म शरीर की शक्ति भी खत्म होती जा रही है। सूक्ष्म शरीर की शक्ति खत्म होने के कारण 68 के बाद दिन प्रतिदिन लगातार हवा की आवाज से बोलता है या लाउड स्पीकर से बोलता है? कैसी आवाज से बोलता है? लो तुम उन्हीं के पास बैठे हैं, लाउड स्पीकर से बोल रहा है। भारिया
बड़ी आवाज से बोलता है ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में, हल्की आवाज से बोलता है, माइक के द्वारा वो आवाज को बढ़ाया जाता है। जैसे कोई गोसे से बात करता है ना, ऐसे धीरे धीरे बोलते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की वो शक्ति नहीं रही जो जोर से बोल सके। जैसे कोई में भूत प्रेत प्रवेश करता है ना, तो कितना जोर से बोलता है और कितनी उसमें ताकत आ जाती है। अब वो सूक्ष्म शरीर की ताकत खत्म होती जा रही है, होते 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 2018 में जाकर के सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाएगा, बच्चा बाप समान बन जाएगा। रो बैठ के बाबा अचलगढ़ में शंकर की अंगूठा लगाई जाती है, लिंग की पूजा नहीं होती है, उसका अंगूठा का पूजा होती है। उसके सामने नदी है, नदी को बचाने के लिए शंकर भगवान प्रत्यक्ष हो गए, उनको शंकर देवता है। मां लिंग नहीं रखा है, क्या रखा है? अंगूठा रखा हुआ है। हाँ 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 हाँ, अंगूठा रखा हुआ है। बाबा तो बताते हैं, हाँ, जिस समय विनाश हो रहा था ना बाबा, तो ये भी जो अचलगढ़ है बता ना, मतलब ये सब नीचे जा रहा था, तो शंकर जी ने उसको ब्रह्म खाई में जाने से अपने पैर के अंगूठे से रोक लिया। भस्मासुर की कथा आती है, वो रावण की कथा आती है। रावण जो है गुस्से में आ गया रुद्रगणों की अभद्रता से, रुद्रगणों ने उसकी हंसी उड़ाई, वो गुस्से में आ गया। उसने कहा हम तुम्हारे जो गुरु जी हैं शंकर जी, हम उनके कैलाश पहाड़ को ही उखाड़ के और समुद्र में डाल देंगे। तो गुस्से में आकर के उसने कैलाश पहाड़ को नीचे से उठाया और हिला दिया जोर से। पार्वती डर गई, तो पार्वतियों के डर को थमाने के लिए जो रुद्रगण थे वो डर गए, उनके डर को थमाने के लिए फिर उन्होंने अपना अंगूठा लिया पांव का और जमीन पे रगड़ दिया, लो ये पहाड़ अचल हो जाता है, तो उसका नाम पड़ गया अचलगढ़। बाकी कोई कैलाश पहाड़ की बात नहीं है, है तो इसी आबू पर्वत की बात है। मुसलमानों ने उनको सोना लूटने के लिए वो कोशिश किए थे, उसको शंकर भगवान अगर वो उसको शंकर देवता उसको रक्षा किया है नंदीगंज मारने से, वो भूली ऐसा उसको पता कुछ नहीं, तीन बैलों में रहता है वो। और कथा कुछ बोलते हैं, शास्त्रों की बात बताओ, जो मनुष्य बोलते हैं वो तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ज्ञान के द्वारा क्या क्या कार्य होता है, अरे तो कोई सच्ची बात भी तो बताओ शास्त्रों की। तो वो पानी पहला घी का पानी बोलते हैं, वो जो वो कुंड है वो घी का पानी बहता था, बाद में वो राक्षस ने उसको गंदा कर देते वो तीन पहला कर उसमें मंदाग्नि कुंड है। अरे भाई वो धुरी भाई के खेत के पास जो कुंड है, जहाँ जो कुंड है उसी कुंड की बात कर रहे हैं। हाँ तो क्या है उसमें? जो ऋषि सब तपस करते थे तो उसके ऊपर गंदा पानी करके उसको गंदा कर देते थे पानी को, मंदाग्नि कुंड कुंड जो है ना, हाँ उस कुंड का नाम मंदाग्नि कुंड है। हाँ मंदाग्नि कुंड है, महावीर जी के मंदिर के पास ही है। हाँ तो कुंड के अंदर ऐसा बताते कि वहाँ वो हवन करते थे,
भवन के अंदर जब राक्षस घी का पूरा भरा रहता था, वो कुंड घी से भरा रहता था, तो राक्षस उसको पी लेते थे। बाबू के राजा आदिपाल थे ना, उन्होंने इसको तीनों भैंसों को एक ही बाण से मतलब खोदा, एक ही बाण से तीनों जो राक्षस थे ना, तीन राक्षस, वो तीन भैंसों का रूप धारण कर लेते। वो जब आते थे तो वो भैंसे पत्थर के भैंसे बना दिए। तो वो जो ऋषि जो उससे वो लेके यज्ञ करते थे ना घी लेकर के, उसको आगे पी जाते थे। तो जो कौन सा राजा था? आगू के राजा आदिपाल। आदिपाल हाँ जी, उन्होंने उसको एक ही तीर से तीनों को एक ही साथ में एक टाइम में खत्म किया। ऐसी उसकी स्टोरी होगा, तो उसको ये भाई जानना चाहते हैं। अभी तक आदिपाल का नाम पता नहीं चला कौन है आदिपाल। अब वो बाण का पता नहीं चला कौन सा बाण है, हैं? अब वो घी का कुंड का पता नहीं चला कि आबू माउंट आबू पहाड़ में जो एडवांस ज्ञान है वो सबसे ज्यादा जो अभी तक प्रयास हुआ है एडवांस ज्ञान का, कौन से गांव वालों ने ज्यादा सुना है? अचलगढ़ वालों ने ही ज्यादा सुना है। अब जब टाइम आवेगा ना तो वो अचलगढ़ वाले ही इतने ज्ञान में गहरे जाएंगे, इतनी याद करेंगे, इतनी याद करेंगे, वो घी का कुंड बन जाएगा। ज्ञान का दूध कहा जाता है, और उससे जो याद होती है वो याद घृत है। क्या? घृत का दीपक जलाते हैं, तो कोई दूसरी चीज नहीं है, याद की गहराई ही घृत है, वो घृत का कुंड है। और तीन राक्षस कोई दूसरे राक्षस नहीं है, वो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियंस के बीज, वो ही तीन राक्षस हैं भैंसासुर, जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता ही नहीं। उनको शास्त्रों में दिखाया गया है, तीन राक्षस थे जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर तीन पुरों की स्थापना की, स्वर्णपुर, रजतपुर और लौहपुर। भांति भांति की कहानियां बनाई है, अर्थ उनका एक ही जगह जाके बैठता है। है बचपन का रूप बताते हैं, दत्ता कुत्रेय कोई दूसरा थोड़ा ही है। त्रेय माने तीन और दत्ता माने दिया हुआ, दत्त माने प्रदत्त, दिया हुआ। किसका दिया हुआ? तीन का दिया हुआ है। कौन? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा किससे पैदा हुए? ब्रह्मा बाबा जो ब्रह्मा बना, पैदा किससे हुआ? ब्रह्मा का रचयिता कौन? वो ही तीन, ब्रह्मा विष्णु शंकर। जो यज्ञ के आदि में तीन मूर्तियां थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो अंत में भी प्रत्यक्ष होती हैं, अभी भी जीवित हैं, पुरुषार्थ कर रही हैं, वो तीनों ही मूर्तियां त्रेय कही गई। और उनके द्वारा दिया हुआ पुत्र, उसका नाम पड़ा ब्रह्मा। वो क्या गुण ग्रहण करता था? गुण ग्रहण करता था। ब्रह्मा बाबा कभी अवगुण किसी के ग्रहण करते थे? नहीं। वो ही दत्तात्रेय है। किसको ज्यादा प्यार करते थे? जिसको ज्यादा प्यार करते थे वो उनके आसपास खड़े हुए दिखाई जाते हैं। कौन है? कुत्ते। गुरु शिखर का क्या महत्व है? हाँ, वहां बच्चे के रूप में दिखाए गए हैं, तो बचपन ही तो है उनका वहां। ब्रह्मा ने जो पुरुषार्थ किया संगमयुगी ब्राह्मणों की दुनिया में, वो गुरु शिखर के नीचे ब्रह्मा बाबा ने जहाँ आसन जमाया, पांडव भवन जिसे कहा जाता है, वो उनका बचपन का पुरुषार्थ है या बड़प्पन का पुरुषार्थ है? बचपन का ही तो पुरुषार्थ है, बेसिक नॉलेज। और एक सवाल है, जब हम शरीर छोड़कर बाबा के साथ जाएंगे तो कैसी महसूस होगी? क्योंकि बाबा ने कहा है कि आत्मा को इस शरीर की नाकों से नहीं देख सकते,
जब आत्मा शरीर को छोड़ देगी तो आत्मा की ये आंखें रह जाएंगी हैं? इन आंखों ये तो आंखें थोड़ी रह जाएंगी, लेकिन जैसे भूत प्रेत होते हैं उनको ये स्थूल आंखें होती हैं? नहीं होती, फिर भी वो देख लेते हैं, तो उनकी सूक्ष्म आंख होती है। ऐसे ही जब हमारा देहवान खत्म हो जाएगा, हम आत्म की स्थिति में सदाकाल के लिए टिक जाएंगे, तो जब चाहे हम शरीर में रह करके काम करें, न चाहे तो शरीर छोड़ दें और दूसरे के शरीर में भी प्रवेश करके कार्य कर सकेंगे, और चाहे तो काम पूरा हो गया तो बाप के साथ परमधाम वापस भी जाएंगे। शरीर हमें अनुभव होगा, देखो हमारा शरीर वहां पड़ा हुआ है, बर्फ में दब गया। हाँ, इस समय बुद्धि में सारा ज्ञान समाया होगा या नहीं? क्यों नहीं समाया हुआ होगा? जब तक परम धाम में आत्मा प्रवेश नहीं करेगी तब तक ज्ञान तो है ना। हमें कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? बाप के घर में जाना है। जैसे गर्भ में आत्मा जाती है तो वहां पूर्व जन्म का सब भूल जाती है जन्म लेने से पहले, ऐसे ही परमधाम से जब आत्माएं आती है इस सृष्टि पर तो पूर्व कल्प का सब भूल जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। और उस समय दूसरी आत्माओं को भी ऊपर जाते हुए देख सकते हैं? अरे मकड़ों का झुंड जाएगा, हम अपने शरीर को देख सकेंगे दूसरे के शरीरों को नहीं देख सकेंगे। अपनी आत्मा हमें दिखाई पड़ेगी, दूसरों की आत्मा नहीं दिखाई पड़ेगी। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगी? वो सूक्ष्म आंख होगी, सूक्ष्म शरीर वाली। जब तक हम परमधाम नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा सूक्ष्म शरीर रहेगा या नहीं रहेगा? है रहेगा। सब आत्माएं सूक्ष्म बतन में जाकर के इकट्ठी होंगी। 500 करोड़वीं मनुष्य आत्मा जब तक शरीर न छोड़े तब तक सबको कहां टिकना है? है सूक्ष्म बतन में टिकना है। विनाश होते रहेंगे, आज इस शहर का विनाश हुआ, कल उस शहर पर एटम बम गिरा, परसों उस शहर पर एटम बम गिरा। इतनी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी तो कहां रुकेंगी जाके? सूक्ष्म बतन में रुकेंगी। जब तक वहां इकट्ठी ना हो जाए तब तक वापस नहीं जा सकते। ऐसे नहीं कि यहां शरीर छोड़ते जाएंगे और परमधाम में प्रवेश होते जाएंगे, नहीं, सब इकट्ठे जावेंगे या एक एक करके जावेंगे? इकट्ठे जावेंगे और एक एक करके आवेंगे। जब सूक्ष्म आत्मा है तो सूक्ष्म शरीरधारी जो भूत प्रेत आत्माएं हैं वो क्या धरती के अंदर हैं? अरे उनकी भी कोई की ऊंची स्टेज कोई की नीची स्टेज होगी या नहीं होगी? सूक्ष्म शरीरधारी प्रेत आत्माएं इस वायुमंडल में घूम रही है या नहीं घूम रही है? घूम रही है। और उनकी संख्या बढ़ती जावेगी या घटती जावेगी? बढ़ती जावेगी। तो जितनी ही ऊंची स्टेज वाली सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा होगी वो उतने ही ऊंची स्टेज में रहेगी। सबसे ऊंची स्टेज में रहने वाले वो 8 फरिश्ते हैं जो दूसरे धर्म में मान्यता प्राप्त हैं। 8 फरिश्तों को दूसरे धर्म वाले मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते। बाबा आदर देवी, एक लौटापुर में आदर देवी का मंदिर है, वो बड़ा पहला मूर्ति बड़ा था, फिर उसको कम होते होते अभी और कम हो जाएगा, विनाश के समय में वो कम हो जाएगा है। तो उसका कुछ कनेक्शन है क्या जगदम्बा का? क्यों नहीं उसका? क्या जो ऊंची स्टेज है वो सतो प्रधान स्टेज होती है या तमो प्रधान स्टेज होती है? तो जो ऊंची स्टेज की निशानी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी मूर्तियां दिखाई गई हैं, वो द्वापर युग के शुरुआत की पूजा है। कलयुग के अंत में
पूजा वो नगण्य है, ऊंची स्टेज वाली नहीं रहती है। उनकी स्टेज कैसी हो जाती है? नीची स्टेज हो जाती। जैसे पांडवों के मूर्तियां बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं, छत इतनी ऊंची, महात्मा बुद्ध के चित्र बड़े बड़े बनाए जाते हैं, बाहुबली की मूर्ति बहुत बड़ी बनाई गई है। तो क्या वो इतने बड़े थे? नहीं, उनकी ऊंची स्टेज थी, उनमें शक्ति ज्यादा थी। फिर जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ती जाती है, तमो प्रधानता बढ़ती जाएगी या कमती होती जाएगी? हैं? घटती जाती है। तो जो नीची स्टेज है वो उनकी मूर्तियां छोटी छोटी दिखाई जाती हैं। जगदम्बा के चित्र आजकल मंदिरों में जाओ तो छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे, छोटी छोटी मूर्तियां मिलेंगी। स्कूलों कॉलेजों के ऊपर जो ताख बने होते हैं उनमें छोटी सी जगदम्बा की मूर्ति रख देंगे, बड़ी मूर्ति नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? कोई कारण होगा। क्या कारण है? हैं? हाँ, जब तमो प्रधान हो जाते हैं तो डिस सर्विस ज्यादा करते हैं, सर्विस कम करते हैं। लक्ष्मी नारायण ने जास्ती सर्विस की है, इसलिए उनके भव्य मंदिर बड़े बड़े बनाए जाते हैं। और जगदम्बा ने डिस सर्विस जास्ती की, बाप को प्रत्यक्ष किया या गुप्त किया? संसार की नजरों में गुप्त कर दिया, अपने को प्रत्यक्ष कर दिया। तो सर्विस की या डिस सर्विस की? डिस सर्विस ज्यादा की। तो उसका प्रतिफल भक्ति मार्ग में भक्त लोग देते हैं। है? हाँ, अर्ध देवी। तो उसका नीचे होने का वो लोग बोलते हैं विनाश हो जाएगा, जब वो नीचे पूरा आ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। नीचे स्टेज गिरेगी तो फिर क्या करेंगे? विनाश ही करेंगे। नीची स्टेज माने विषय वासना भरी स्टेज, व्यभिचारी स्टेज या अव्यभिचारी स्टेज? हैं? व्यभिचारी स्टेज। इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है स्थापना। फिर बोला गया कि राज करे खालसा। खालसा माने प्योरिटी देता है तो राज करे। अब ये बात ऐसी है कि दुनिया में पुरुषों का राज्य है या स्त्रियों का राज्य है? कलयुग के अंत में पुरुषों का राज्य होता है। पुरुष ज्यादा पवित्र होते हैं या स्त्रियां ज्यादा पवित्र होती हैं? है? स्त्री जाति ज्यादा पवित्र होती है। तो ऐसे ही शूटिंग पीरियड में भी वो रुद्रमाला के मण के इतने पवित्र ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं है। रुद्रमाला में भी जो शक्तियां हैं भले विनाश का कार्य कर रही है, विनाश भी कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? है? क्यों कल्याणकारी है? इसलिए कल्याणकारी है, जब तक विनाश नहीं होगा आसुरी सृष्टि का तब तक देवताई आत्माएं संसार में प्रत्यक्ष होने वाली नहीं है। तो ये कल्याणकारी काम हुआ या कल्याणकारी हुआ? कल्याणकारी कार्य हुआ। इसलिए मूर्ति तो बनानी पड़ेगी पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा उसी की होती है जो पवित्र होता है। शालिग्राम की पूजा नहीं करेंगे, शालिग्राम का गायन होता है, पूज्य मूर्ति होती है। शालिग्राम माने बिंदु, पूज्य माने मूर्ति, मूर्तियों की पूजा होती है। बाबा, जैसे राजस्थान के जो राजा है ना बाबा हुए हैं, उनके ही वहाँ पर जैसे बीकानेर पैलेस है, अलवर पैलेस है बाबा, धौलपुर पैलेस है, अरमल कोट है, इस तरह से राजस्थान के राजाओं का आगू में ज्यादा हो रहा है बाबा। हो रहा है नहीं, पहले से ही था। हाँ बाबा, पहले से ही बता रही हूँ, रहा है। हाँ। तो इसका क्या रहस्य है बाबा? इसका रहस्य है कि पहले माउंट आबू जो है वो राजस्थान स्टेट में था,
गुजरात स्टेट में नहीं था। अभी क्या हुआ कलयुग के अंत में? अभी कलयुग के अंत में राजस्थान में ही है, लेकिन थोड़ा समय पहले गुजरात में था। ये रद्दोबदल होता रहता है। हाँ बाबा, अष्टलिंग दिखाया गया है, अष्टलिंग दिखाया गया है और अष्ट दिग्पाल भी दिखाया गया है। अष्ट दिग्पाल कोई आठ दिशाओं के पालना वाले कोई दूसरे थोड़े ही हैं। जो आठ धर्म हैं, उन आठ धर्मों के जो आठ प्रदेश हैं, वो ही आठ दिशाएं कही गई है। चार दिशाएं तो सबको मालूम है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, लेकिन उनके कोने भी हैं। जैसे चार मुख्य धर्म हैं, तो उन चारों मुख्य धर्मों के सहयोगी धर्म भी हैं चार, तो आठ दिशाएं हो जाती हैं। उन आठ दिशाओं के पालना करने वाले भी आठ हैं। कोई बौद्ध धर्म खंड की पालना करने वाला है, कोई इस्लाम धर्म खंड की पालना करने वाला, अफ्रीका और अरब देश, कोई क्रिश्चियन धर्म की धर्म खंड की पालना करने वाला, कोई ऑस्ट्रेलिया की तरफ पालना करने वाला। ऐसे ऐसे आठ दिग्पाल जो दिखाए गए हैं, वो आठ धर्मों के बीज हैं, उनकी यादगार दिखाई गई माउंट आबू में। वही पर अष्टलिंग भी है। हाँ, वो ही आठ लिंग बनते हैं। और बारह लिंग में स्थापना और पालना करने वाले लिंग कितने हैं? आठ ही हैं, सो दिखाई गए। वो मंदिर की बाबा साउथ वालों ने आके बनाया होगा। साउथ में ही अष्ट देवों के मंदिर हैं, साउथ में ही अष्ट देवों की मूर्तियां हैं, साउथ में ही अष्ट देवों की पूजा होती है। उत्तर भारत में अष्ट देवों के मंदिर भी नहीं है, मूर्तियां भी नहीं है, पूजा भी नहीं होती है, नवग्रहों की पूजा होती है। बाबा वो नकुल से एक दिन में बोधा गया, वो नक्की से बोधा मुझे नक्की ले गया ना, वो राजा के एक पार्वती को कुमारी कन्या के लिए शादी के लिए एक मंदिर है। नक्की जी को एक रात में नाकुन से खोदा गया, खोदा गया नक्की जी को नाकुन से एक रात में खोदा गया है। कुमारी कन्या को शादी करने के लिए शत्रजीत राजा ने एक दिन राजकुमारी की शादी तभी करेगी जब एक रात में नाकुन से नक्की जी को खोद दे। अभी तो नक्की झील दो हो गई वहाँ वो खोदी हुई नहीं है, है? वो खोदी हुई नहीं है नाकुन। असली कथा निकालो शास्त्रों से ढूंढ के, फिर उसका असली अर्थ निकले। और सवाल है, बाबा ने ये सूरी में कहा है कि राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण सब युगल जोड़ी हैं, पर शंकर पार्वती को युगल जोड़ी नहीं कहते, क्यों? किसने कहा शंकर पार्वती को युगल जोड़ी नहीं कहते? मुरली में कहा? इधर उधर क्या देखते हो, सुनी सुनाई बातों में विश्वास कर। भारतवासियों सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई, तुम उनकी उनकी हर बात को पहले टैली करो कि राइट है या रंग, फिर बाबा के सामने रखो। वो नहीं पूछ पा रहे थे, तुम ब्रह्मा बाबा बन गए उनके। हाँ 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 हाँ, ये 16 दिन गंगोत पूजते हैं, 16 दिन मट्टी के गंगोत पूजते हैं। 16 दिन क्या करते हैं? गंगोत पूजते हैं, एक गंगोत बनाते हैं, गंगोत पूजते हैं, जो अभी गया त्योहार। 16 दिन क्या करते हैं? गंगोत पूजते हैं, गंगोत होती है। तो 16 दिन बाद में जैसे ही कुएं में ले जाके डाल, किसका क्या कारण है पता नहीं, क्या क्या बोल रहे हैं यार।
सब भक्ति मार्ग की जाने कहाँ कहाँ की कंठ घंट सब उठा करके क्लास में पूछना शुरू कर देते हैं। ये सब कलयुग के अंत में आके झूठी झूठी परंपराएं पड़ जाती हैं। जैसे एक जगह शादी हुई तो शादी में क्या हुआ कि सब्जी बन रही थी, पतली सब्जी बनाई जाती है ना, वो बन रही थी, सब लोग बाहर जाकर के बैठे हुए थे सभा में इकट्ठे होकर के, किसी जो आपस में मिलते जुलते हैं शादी ब्याह में, सो वहां जाके मिल रहे थे, किचन में कोई रहा ही नहीं, तो बिल्ली आई उसमें कूद गई और मर गई। बहू ने देख ली, बहू ने देखी तो हड़बड़ा गई, अरे ये क्या हुआ, मेरे को सास पकड़ेगी, सब लोग मेरे को गालियां देंगे। उसने बिल्ली को निकाला और उसने दबा दिया। दूसरी छोटी बहू थी वो उसको देखती रही, उन्होंने समझा अच्छा मैं तो नई नई आई हूं ना, है यहाँ बड़ी बहू ने ऐसा काम किया कि जब शादी होती है तो बिल्ली को मार के और उसमें दबा दिया जाता है, तो वो अपनी परंपरा में वही काम करने लगी और परंपरा चल पड़ी। ऐसी ऐसी परंपरा है, मत सुनाओ शास्त्रों की बातें सुनाओ। वो कर रहे हैं विकृत बुद्धि के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में जो शास्त्रों में परंपराएं डाली गई हैं, वो शास्त्रों की बातें द्वापर के आदि की हैं या मध्य की हैं या अंत की हैं, कहाँ की हैं? आदि की हैं। उस समय शास्त्र भी सच्चे थे, सच्चाई थी, वो परंपराओं में भी कुछ रहस्य है, गुड़ है। तो सच्ची बात को पकड़ो। हाँ शूटिंग तो हो रही ना, इसलिए पूछा है बाबा ने, इसमें क्या है। हाँ और है विनाश हो जाएगा, 500-700 करोड़ का विनाश हो जाएगा, भगवान का काम खत्म हो गया कि रह गया? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं अपना शरीर छोड़ देंगी, आत्मा बन जाएंगी, तो भगवान का काम खत्म हो गया या रह गया? है बताओ ना जल्दी, खत्म हो गया। तो आबू पहाड़ रह जाना चाहिए। जब भगवान का काम ही खत्म हो गया तो मकान को तोड़ो फोड़ो खत्म करो। हाँ ये बात है कि दुनिया में और जो पहाड़ हैं और जो स्थान हैं वो पहले विनाश हो जाएंगे, और आबू पहाड़ अंत में लास्ट में जाकर के विनाश होगा। ऐसे नहीं कि वहां भूकंप आएगा ही नहीं, वहां दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप आएगा, लेकिन जब आएगा उससे पहले बाबा के बच्चे वहां से 9-2-11 हो जाएंगे। चलो टाइम हो गया।